बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की फिल्म लव आजकल बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म ने पहले ही दिन कार्तिक आर्यन अपने पिछले फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए धुआंधार कमाई की। लव आजकल ने फर्स्ट डे 12 करोड़ 40 लाख रुपए कमा डाले थे। यही वजह है कि इस मोटी रकम के साथ ही कार्तिक आर्यन की यह फिल्म साल 2020 की दूसरी हाईएस्ट ओपनर फिल्म बन चुकी है। ऐसी ओपनिंग को देख फैंस के साथ साथ क्रिटिक्स को भी इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें थी। वह बात अलग है कि रिकॉर्ड तोड़ने का यह सिलसिला ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दूसरे ही दिन फिल्म लव आजकल के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली है। फिल्म लव आजकल ने शनिवार को लगभग 7 करोड़ 50 लाख रुपये की कमाई की, जो कि पहले दिन का आधा भी नहीं है। माना जा रहा है कि पहले दिन वैलेंटाइन डे की वजह से फिल्म ने बढ़िया प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अगले ही दिन कमाई में सीधा 40% की गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि फिल्म लव आजकल रविवार को भी कोई खास फायदा नहीं मिलने वाला है। वैसे भी फिल्म लव आजकल की ऑडियंस काफ़ी सीमित है, जिसकी वजह से दर्शकों का सिनेमाघरों में आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। आंकड़े बताते हैं कि लव आजकल से बेहतर प्रदर्शन तो पंगा और छपाक ने कर दिखाया है। इन सब के बावजूद लव आजकल के स्टार कार्तिक आर्यन के करियर की हाईएस्ट ओपनिंग फिल्म बन चुकी है। आगे अब ये देखना मज़ेदार होगा कि लव आजकल कितने दिन और बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने लव आजकल फिल्म देखी है तो आप कमेंट करके बताएं कि फिल्म कैसी लगी, आपको किसकी एक्टिंग अच्छी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो क्यों नहीं लगी ये भी बताएं। साथ में अगर आपने माय बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए।